नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप। आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और PIL मैन, जिनको जाना जाता है पूरे मीडिया में और कानून जगत में। उनको जो है PIL मैन के रूप में जाना जाता है, इतनी सारी PIL फाइल की है। अच्छी बात यह है कि सभी इस तरह की PIL समाज और देश के हित में है, कोई निजी फायदे के लिए उन्होंने PIL फाइल नहीं। आज उनके साथ बात करेंगे कॉमन सिविल कोड। सुनी जी, आपका स्वागत है आपका अखबार में। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और उसके अलावा फंडामेंटल राइट, तीन चीजें जो है वो संविधान की आत्मा, लेकिन इन तीन जो अवयव हैं आत्मा के संविधान की, उनमें से एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल उसी में आता है कॉमन सिविल कोड। आजादी के 74 साल हो गए, अभी तक किसी सरकार ने इस मामले में कुछ किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कहता तो रहा है, लेकिन ये भी कहता रहा है कि ये डोमेन जो है वो पार्लियामेंट का है, सरकार का है, कानून बनाना उसका काम है, हम सरकार को निर्देश नहीं दे सकते। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में चुकी है, ये अपेक्षा होती है कि सरकार इस पर कुछ करेगी। आपको क्या लगता है, आपकी PIL जो प्रोग्रेस है उसको देखते हुए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रवैया है उसको देखते हुए क्या लगता है आपको? भाई साहब, आपका कार्यक्रम बहुत बढ़िया होता है और लगातार पूरे देश भर के लोग आपको सुनते हैं और आपको देखते हैं। मैं आपको आभार, आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार, संविधान हो या कानून, ये सब जनता के लिए बने हुए। हम लोग भारतीय नागरिक सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं बने हैं, भारतीय नागरिक सरकार के लिए नहीं बने हैं, भारतीय नागरिक संविधान के लिए नहीं बने हैं, बल्कि संविधान, सरकार, संसद, विधानसभा, ये सब हमारे लिए बनी हुई। और जब हम कहते हैं कि भारत संविधान से चलता है, तो संविधान का तो मतलब ही है संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। संविधान का मतलब समविधान, सम्यक विधान, ऐसा विधान जो सब पे समान रूप से लागू हो, उसको कहते संविधान। और दुर्भाग्यवश समता, समानता, समरसता, सारी बातें होती हैं, चुनावी रैलियों में भी होती हैं, संसद में भी होती हैं, लोकसभा में होती है, विधानसभा में होती है, लेकिन ये संविधान की जो आत्मा है, समान नागरिक संहिता, आप इसको समान नागरिक संहिता कहिए, कॉमन सिविल कोड कहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहिए, मैं इसको इंडियन सिविल कोड कहता हूं। मैं कहता हूं जिस तरीके की इंडियन पिनल कोड है, ऐसे की इंडियन सिविल कोड होना चाहिए, इस पे चर्चा नहीं होती। और आज की स्थिति यह है कि जो समान नागरिक संहिता को अच्छी तरीके नहीं समझते, वो भी इसका विरोध करते हैं, जो लोग जानते हैं वो भी इसका विरोध करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते फिर भी समर्थन करते हैं। तो मतलब स्थिति यह है कि एक पॉलिटिकल फुटबॉल है, जो भाजपा के समर्थक हैं वो इसका समर्थन करते हैं क्योंकि भाजपा के मैनिफेस्टो में है, जो भाजपा के विरोधी हैं वो इसका विरोध करते हैं क्योंकि भाजपा के मैनिफेस्टो में है। तो ये एक पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया है। और इसका जो सबसे बड़ा इसमें जो समस्या आ रही है कि सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। पादरी से पूछिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, उसकी अलग इंटरप्रिटेशन है। किसी मौलवी से पूछिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, कहेगा अरे बाप रे बाप, मैं तो नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगी तो हमारा निकाह भंग हो जाएगा। तो मतलब कुछ भी लोग बोल रहे हैं, और वो कुछ भी बोलने का कारण यही है कि इसका ड्राफ्ट नहीं बनाया गया। अगर इसका हमने एक ड्राफ्ट बना के पब्लिश कर दिया होता तो शायद इसकी इतनी समस्या होती नहीं। मेरा ये कहना है कि सरकारें ये कहती हैं कि जी इस पे हम चर्चा करेंगे। मैं ये कहता हूं, चर्चा करोगे किस चीज पे? हवा में? भाई, पहले जो घर बनाना होता उसका नक्शा बनता है, एक ड्राफ्ट बनता है नक्शा, उस नक्शे के ऊपर चर्चा होती है, फिर ये तय होता है कि भाई कौन सा कमरा बड़ा करना, कौन सा छोटा करना, किचन बढ़ाना, छत कितनी ऊंची करनी, फिर चर्चा होती है, हवा में थोड़ी चर्चा होती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अभी केवल हवा में चर्चा हो रही है, 75 साल से केवल हवा में चर्चा हो रही है। जब इसका एक ड्राफ्ट सामने आ जाए, पब्लिश हो जाए, तो मुझे लगता है इसमें विरोध करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। जो मैंने
सिंगापुर का यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा, अमेरिका का यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा, और जो मेरी 5 PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, मैंने वो जो 5 बेसिक एलिमेंट है उस पर 5 PIL फाइल किया है, वो पांचों सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर एडमिट किया है, भारत की सर्वोच्च अदालत ने, और हमारे फैक्ट को देख के, हमारे ग्राउंड्स को देख के एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब जो हमारी मांग है वो कोई बाहर की मांग थोड़ी है। हम तो वही बात कह रहे हैं कि संविधान का मतलब समान विधान, और जब तक लोगों का, नागरिकों का सिविल राइट समान नहीं होगा, ह्यूमन राइट समान नहीं होगा, तब तक हम इस देश में संविधान कैसे कह सकते हैं? वास्तव में संविधान नहीं, तो देश में बहुविधान चल रहा है। हिंदू के लिए अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान, और विधान में भी विधान, शादी विवाह का अलग विधान, गुजारा भत्ता का अलग विधान, गोद लेने का अलग विधान, प्रॉपर्टी विरासत वसीयत का अलग विधान, तो सबका अलग अलग विधान, लगभग 40-50 विधान चल रहे हैं। जबकि इन 40-50 विधान को मर्ज करके आराम से एक विधान बनाया जा सकता है, जिसको आप कॉमन सिविल कोड कहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहिए, समान नागरिक संहिता कहिए, भारतीय दंड संहिता कहिए, या इंडियन सिविल कोड कहिए। भी आपने बात कही कि पहले सबसे जरूरी तो है कि एक ड्राफ्ट तो बने। सरकार बार बार कहती है कि जो है सारे स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे, बड़ा जो है संवेदनशील मुद्दा है। 2016 में सरकार ने लॉ कमीशन से कहा था इस पर एक ड्राफ्ट तैयार करें, लेकिन उसकी बजाय लॉ कमीशन ने एक कंसल्टेशन पेपर जो है वो जारी कर दिया, ड्राफ्ट बनाया नहीं। उसकी क्या वजह थी? लॉ कमीशन ने जो काम किया है वो बिल्कुल गलत किया। लॉ कमीशन से ये थोड़ी पूछा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए, ये बताने वाला लॉ कमीशन कौन होता है? अरे 23 नवंबर 1948 को इस पे विस्तृत चर्चा हुई, 22 नवंबर को बहस शुरू हुई, 23 नवंबर तक बहस चली, 23 नवंबर को पूरी तय, सब सारे पक्षों को सुना गया, दोनों पक्षों को सुना गया, समर्थक को भी सुना गया, विरोधियों को भी सुना गया, और तय हो गया कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। और एक बड़ी मैं महत्वपूर्ण बात बताऊं, शायद जो लोगों को कम आइडिया है सर, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो बाद में बना है, ओरिजिनली ये आर्टिकल 35 था, इसको संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट बनाया हुआ था, लेकिन उस समय उनके पास इतना टाइम नहीं था कि एक प्रॉपर वे में वो चीजों को एक कॉमन सिविल कोड ड्राफ्ट कर सके, इसलिए उन्होंने तय किया कि ठीक है काम करते हैं, अभी इसको फिलहाल इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल देते हैं। जो आर्टिकल 35 था उसको रीनंबरिंग हुई तो आर्टिकल 44 बना दिया, लेकिन आर्टिकल 37 में यह कह दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवर्थलेस फंडामेंटल, कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को किसी भी तरीके से फंडामेंटल से कम नहीं मानोगे, जो फंडामेंटल राइट जितना इंपॉर्टेंट है उतना डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा, ये उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हमारा ये कहना है भारत इकलौता सेकुलर देश है, इकलौता पूरी दुनिया में, जहां बेटी की विवाह करने की उम्र अलग है, निकाह करने की उम्र अलग है। भारत इकलौता सेकुलर देश है, जो बेटी विवाह करेगी उसका विवाह विच्छेद कोर्ट के जरिए होगा, जो बेटी निकाह करेगी उसका मौखिक हो जाएगा। भारत इकलौता सेकुलर देश है, जो बेटी विवाह करेगी उसको गुजारा भत्ता मिलेगा, जो बेटी निकाह करेगी उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, जो बेटी विवाह करेगी उसको गोद लेने का अधिकार मिलेगा, जो बेटी निकाह करेगी उसको गोद लेने का राइट नहीं है, जो बेटी विवाह करेगी उसको वसीयत में विरासत में इक्वल राइट मिलेगा, जो बेटी निकाह करेगी उसको वसीयत में विरासत में इक्वल राइट नहीं मिलेगा। तो ये मतलब कहने को हम कहते हैं सेकुलर देश है, संविधान से चलता है, लेकिन वास्तव में यहां संविधान नहीं, यहां बहुविधान चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 50 अच्छा कानून चल भी कौन से, अंग्रेजों के जमाने के, 1938 का सरिया एक्ट, 1937 का सरिया एक्ट, और गोद लेने वाला नियम, सब 1947 के पहले वाले चल रहे हैं। तो अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट किया था उसको हमने खत्म करने की बजाय उसको कंटिन्यू कर दिया, उसको जारी रखा हुआ है। देखिए अभी जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी है एनवी रमना साहब,
उन्होंने एक बात कही, उन्होंने उन्होंने ये कहा कि ये जो कानून है अभी देश में ये कॉलोनियल एरा के कानून है, भारतीय जो समाज है उसके अनुसार नहीं है, इनको बदला जाना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहते हैं, सरकार मंशा जाहिर करती है, लोग चाहते हैं, फिर भी होता क्यों नहीं, आखिर करेगा कौन? करना तो कई इन्हीं संस्थाओं को मिलकर है। संसद अगर कानून बनाएगी, मान लीजिए परिवर्तन करेगी, उसको वो चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये जो है संविधान की मूल भावना के अनुरूप है कि नहीं है, तो इसको इसको बने रहना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। बात कुल मिलाकर ये जो आपने शुरू में बात कही, एक पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया है, सब तरह के होना चाहिए लेकिन कोई नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में अलग अलग समय पर कहता रहा है कि जो है आर्टिकल 44 डेड लेटर बन गया है, उसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं रह गया है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट नाली कहाँ बनेगी, डीटीसी की बस जो है किस तरफ से चलेगी, बाएं से कि दाएं से, बीच में, सब चीजों पर फैसला सुनाता है, डायरेक्टिव देता है। आखिर इस मामले पर क्यों नहीं सरकार को ये निर्देश दे सकता, भाई इस पर आप विचार कीजिए, इस पर सोचिए क्या करना है, हमें बताइए कि आप कब तक, टाइम बाउंड तरीके से बताइए कि कब तक कर सकते हैं। देखिए, जहां तक ये कहना कि हम कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते, तो एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कानून बनाओ। ट्रिपल तलाक केस में कहा था, ट्रिपल तलाक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ट्रिपल तलाक कानून को खत्म कर रहे हैं, 6 महीने तक हमारा ऑर्डर चलेगा, और 6 महीने के अंदर हम सरकार को कह रहे हैं कि वो कानून बनाए। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा हुआ, एक बार नहीं कई बार कहा हुआ। हम बेसिक मुद्दे पे आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कॉमन सिविल कोड का पहला एलिमेंट है शादी विवाह की उम्र बराबर होनी चाहिए। दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र बराबर है। WHO कह रहा है कि 20 साल के पहले प्रेगनेंसी आज की डेट में ठीक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आप जेंडर के आधार पर भेदभाव मत करो, आर्टिकल 15 कहता है। लड़की 12वीं करती है 18 साल में, अगर 12वीं के बाद कोई डिप्लोमा करती है या बीए करती है, बीएससी बीकॉम करती है, तो वो 20 से 21 साल की हो जाती है। तो 21 साल के पहले लड़की WHO के अकॉर्डिंग आज की डेट में फिजिकली मैच्योर नहीं है, मेंटली मैच्योर नहीं है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, पढ़ाई उसकी पूरी हुई नहीं है, उसके बावजूद हिंदुओं में तो चलो फिर भी ठीक है कि 18 साल है लड़की की, लड़के के 21 से 18 का मतलब 12वीं कर लेगी। मुस्लिम्स में 9 साल का मतलब तीसरी कक्षा या दूसरी कक्षा। तो ये जो चल रहा है, और दुर्भाग्यवश सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो हर चीजों के लिए आवाज उठाती रहती है, महिलावादी जो अपने देश में है, ये महिलावादी भी नहीं कह रही है, सामने आती नहीं है कि भाई लड़के लड़की की उम्र बराबर करो, हमको पढ़ने से क्यों रोक रहे हो, हमारी शादी जल्दी क्यों कर रहे हो, सभी बेटियां तो बराबर है, इनको अलग अलग भेदभाव क्यों कर रहे हो। तो ये शादी विवाह हुआ। दूसरा एलिमेंट होता है कि जो बाहर के देशों में है, डेवलप्ड कंट्रीज में है, कि जो तलाक होगा, डिवोर्स होगा, उसका जो प्रोसीजर है वो एक होगा। बड़ी सीधी सी बात है, तलाक सबके लिए उतना ही पीड़ादायक है, ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए कम पीड़ादायक है, मुस्लिम के लिए ज्यादा पीड़ादायक है, पारसी के लिए अलग पीड़ादायक। तलाक की पीड़ा, शादी विवाह टूटता है तो सबको बराबर दुख होता है, बराबर दर्द होता है। तो उसमें वो शादी विवाह कैसे टूटेगा, कैसे अलग अलग होना है, उसमें एक में आपने हिंदू के लिए अलग कानून चल दिया, मुस्लिम में तो है ही नहीं है, लिखित कोर्ट के जरिए है ही नहीं, आज भी मौखिक चल रहा है, ईसाई का अलग चल रहा है, पारसी का अलग चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में जब हम कहते हैं कि भारत में संविधान है, आर्टिकल 14 कहता भेदभाव नहीं करना, आर्टिकल 15 कहता बिल्कुल भेदभाव निषेध करता है, और हम सेकुलर वर्ड भी जोड़ चुके हैं अपने प्रियम्बल में कि भाई ये तो सेकुलर कंट्री है, तो इतना सब होने के बावजूद फिर तो तलाक लेने की प्रक्रिया एक होनी चाहिए। अगर मौखिक तलाक ठीक है तो सब लोग मौखिक ले लें, लिखित में ठीक है तो सबका लिखित हो, लेकिन जो भी हो होना तो एक चाहिए। भाई ट्रिपल तलाक खत्म हो गया लेकिन बाकी वाले तलाक तो चल ही रहे, तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके सुन्नत, बाकी तो तलाक चल ही रहे। इसी तरीके से जो तीसरी इसकी प्रक्रिया है वो है गोद लेने का नियम, गुजारा भत्ता। भाई शादी विवाह की उम्र बराबर हो गई,
तलाक लेने की प्रक्रिया हो गई, अब तलाक हो गया तो गुजारा भत्ता। अब गुजारा भत्ता में सिचुएशन ये है कि अगर ईसाई का तलाक होगा अलग गुजारा भत्ता, पारसी का होगा अलग, हिंदू का होगा अलग, और मुस्लिम में गुजारा भत्ता का कोई नियम ही नहीं। मतलब चार बहने हैं और चारों की शादी में एक हिंदू से हो जाए, एक मुस्लिम से हो जाए, एक पारसी से हो जाए, एक ईसाई से हो जाए, तो चारों के अगर बाई द वे तलाक लेना पड़े तो चारों का तलाक लेने का तरीका अलग, और तलाक लेने के बाद तीन को गुजारा भत्ता गुजारा मिलेगा, एक को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, और तीन को जो गुजारा भत्ता मिलेगा वो भी अलग अलग मिलेगा। चार बहनें हैं, एक ही घर में रह रही हैं, एक ही माता पिता की संतान, एक ही जगह रह रही है, लेकिन उनको गुजारा भत्ता अलग अलग मिलेगा। ये मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा पूरी दुनिया में इकलौता देश है भारत जहां ऐसे होता है, और सेकुलरिज्म के नाम पे कि हम तो सेकुलर कंट्री है। ये आप ना शब्द विरासत का देखिए, आप वसीयत का देखिए, प्रॉपर्टी का राइट देखिए, गोद लेने, अब गोद लेने में अगर हिंदू है बाय द वे बच्चे नहीं हुए तो गोद ले सकते हैं, अपना पति पत्नी गए अपना गोद ले लिए, मुस्लिम में उनको रोक दिया गोद नहीं ले सकते। अब गोद नहीं ले सकते तो जरा इसको जरा आप समझिए भाई साहब कि इसमें दिक्कत कहां से आ रही है। गोद नहीं ले सकते तो दूसरी शादी कर लो। अब दूसरी शादी किया और बाई देवे वो कमी पति में थी, महिला में कमी नहीं थी, पत्नी में, बीबी में कोई कमी नहीं थी, शौहर में कमी थी, तो दूसरी शादी होगी तो फिर बच्चा नहीं होगा, तो फिर तीसरी शादी कर लो। शादी कमी चूंकि हस्बैंड में है तो तीसरे में बच्चा नहीं होगा, तो मतलब गोद ले नहीं सकते, बच्चे आगे हो नहीं रहे, तो आप जरा सोचिए सिचुएशन क्या बनेगी। इसी तरीके से अब मान लीजिए बेटा बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई, ये विज्ञान कहता है कि बेटा होगा कि बेटी ये महिला पे डिपेंड नहीं करता बल्कि पति पे, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता। अब उनके यहाँ क्या है कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेटी को दे नहीं सकते, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेटी को नहीं दे सकते, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में चलता है, अगर बेटा नहीं हुआ तो उनकी प्रॉपर्टी वक्फ में चली जाएगी, तो वक्फ में जाने से बचाने के लिए वो दूसरी शादी करते हैं, और बेटा होगा कि बेटी ये पति पे डिपेंड करेगा, तो शादी तो दूसरी कर लिया लेकिन पति तो वही, तो पति वही, तो दूसरी से भी चार पांच बेटियां हो गई, बेटा तो हुआ नहीं, तीसरी कर लिए, तीसरी से भी चार पांच बेटियां हो गई, बेटा तो हुआ नहीं। तो ये जो सिचुएशन है बड़ी खतरनाक है। जैसे मैंने प्रॉपर्टी वाला फाइल किया जब सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरे पास पहला फोन कश्मीर से आया, कश्मीर से उसने मुझे फोन करके धन्यवाद दिया और कहा कि भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम किया। हमने कहा तुम्हारी क्या दिक्कत है, बोले जी हमारे नाना हमको प्रॉपर्टी देना चाहते लेकिन नाना हमें अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे नहीं सकते हैं, उसके मामा नहीं थे। तो अच्छा ये जो सिचुएशन है ये बड़ी खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों वाले मामले में एक तरह से कोशिश की थी कि गुजारा भत्ता मुस्लिम महिलाओं को मिले। एक एक जो उनके साथ अन्याय हो रहा था कि दूसरे धर्मों में व्यवस्था है, मुस्लिम धर्म में नहीं है, लेकिन उसको राजनीति के जरिए मतलब संसद से कानून लाकर पलट गया। उससे एक मैसेज ये जाता है, बातें भले ही राजनीतिक दल और इस तरह के जो संगठन है जो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, सामाजिक कल्याण की बात करते हैं, सबकी बराबरी की बात करते हैं, बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो फैसला पॉलिटिकल और रिलीजियस लोग लेते हैं। उस समय भी शाहबानों के समय जो जो मौलाना लोग थे उन्होंने प्रेशराइज किया उस समय की राजीव गांधी सरकार फैसला बदलने के लिए। वोट से जहां ये सब चीजें तय हो वहां इस तरह के इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती देखिए जहां तक मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा हूं भाई साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं, क्योंकि हिंदुओं में बेटे और बेटी को लगभग इक्वल राइट हो चुका है। है? आप मान के चलिए कि केवल 19-20 का थोड़ा बहुत फर्क रह गया है तो रह गया, नहीं तो लगभग लगभग इक्वल हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पीड़ित है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना होने से वो हमारी मुस्लिम बेटियां हैं। मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा फायदा होना है
वो मुस्लिम बेटियों को होना है, सबसे ज्यादा मुस्लिम बेटियों का होगा, उसके बाद पारसी बेटियों को होगा और ईसाई बेटियों को होगा। हिंदू बेटियों को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ हिंदुओं में तो गुजारा भत्ता भी है, शादी विवाह की उम्र भी लगभग बराबर हो, 18-21 का ही अंतर है, विरासत वसीयत गोद लेना सब में इक्वल राइट है। जहां सबसे ज्यादा फायदा होना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि शादीशुदा लड़कियों का भी अधिकार है माता पिता की संपत्ति में, उनका मूल निवास वही है जो उनके माता पिता का है, पैतृक निवास है। इस मामले में जो है हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो भी संस्थाएं हैं उनको देखिए, और बाकी जो मत और मजहब के लोग हैं उनको देखिए। अभी अभी सरकार ने जो है पिछले सत्र में संसद के बिल इंट्रोड्यूस किया है शादी की उम्र बढ़ाने का 21 साल। मुझे ये लगा था जब ये बिल आया, ये कॉमन सिविल कोड को टुकड़ों में लाने की कोशिश शायद सरकार कर रही है, तो जो राजनीतिक हमला है उससे बचने के लिए कर रही है, या सरकार जो है इसके जरिए सचमुच कॉमन सिविल कोड का रास्ता खोल रही है। क्योंकि 21 साल करने का मतलब है कि पहला जो हमला होगा सरकार पर ये शरिया पर हमला है, ये इस्लाम पर हमला है, हमारी धार्मिक आजादी जो है उस पर हमला है, लेकिन सरकार ये करने जा रही है, उसकी ऐसी मंशा दिखाई दे रही है। आपका इस मामले में क्या कहना? देखिए, मेरी PIL भाई साहब इस पे सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और हमने जो डेटा दिया है हम कह रहे हैं कि ये शरिया भारत में खतरे में क्यों आता है। 125 देशों में शादी विवाह की उम्र बराबर है, या तो 20 साल है या तो 21 साल है, 19 साल कहीं नहीं है, 20 और 21 दोनों यूनिफॉर्म है। वहां तो बढ़िया शरिया चल रहा है, वहां किसी मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं, वहां किसी पारसी को कोई दिक्कत नहीं, ईसाई को दिक्कत नहीं, ये सारे खतरे भारत में क्यों आते हैं? मेरा ये मानना है कि ये जो भारत में जो पाखंडी है, ये जो पाखंडी बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिन जो बीच बीच में कुछ न कुछ खुराफात करते रहते हैं, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे कोई भी अच्छी फसल बोना होता है तो उसके पहले एक बार जुताई की जाती है, खेत जुताई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, निराई करते हैं, थोड़ा बहुत खरपतवार रहता है तो पेस्टिसाइड भी डाल देते हैं, उसके बाद फिर उसमें बीज डालते हैं। अगर हम जुताई गुड़ाई निराई न करें और खरपतवार को न निकालें तो बीज खराब हो जाए। अभी ये जितने इस तरीके के हंगामे करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे ले दे के करते हैं, वो करते किस लिए? क्योंकि उनको इसी काम के लिए पैसा मिलता है। कुछ को एक कानून FCRA है उसके जरिए पश्चिम देशों से मिलता है, हाँ। और कुछ को हवाला के जरिए खाड़ी देशों से मिलता है। तो जब तक इनकी नाक नहीं दबाएंगे तब तक मुंह इनका खुलेगा नहीं। नाक दबाने का मतलब है कि अगर हम प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, केवल एक काम कर दें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने हाँ। कई बार कहा भी है कि हम कुछ करेंगे इसके बारे में, जिस दिन प्रॉपर्टी से आधार लिंक हो जाएगा, ये आधे मौलाना पादरी बेनकाब हो जाएंगे। क्योंकि जो अभी इधर उधर की बातें करते हैं, पता चला वो उसमें कोई 500 करोड़ का मालिक है, कोई 1000 करोड़ का मालिक। जिस दिन प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी, दुनिया आधे कम से कम मैं जानता हूं कि यहाँ 200-300 सफेद पोस्ट नेता तो यहां से भारत छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि इतना माल उन्होंने इकट्ठा किया है, ड्राइवर के नाम, खाना बनाने वाले के नाम, चपरासी के नाम, इसके नाम, उसके नाम, दुनिया भर का माल इकट्ठा किया हुआ है, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़। जिस दिन वो कानून बना, मैं तो उस कानून का वेट कर रहा हूं। वो कानून एक बार जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ आप CA लागू करोगे तब भी हंगामा होगा, NRC लागू करोगे तब भी हंगामा होगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओगे तब भी हंगामा होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करोगे तब भी हंगामा होगा। क्योंकि हंगामा क्यों होगा? उनको हंगामा करने के लिए पैसा मिल रहा है, वो फ्री में हंगामा नहीं कर रहे हैं। या तो खाड़ी देशों से मोटा माल मिल रहा है या पश्चिम देशों से उनको FCRA के जरिए पैसा आ। तो जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में वो है पैसा। ये जो इनको काला धन मिल रहा है, ब्लैक मनी मिल रहा है, बाहर से पैसा मिल रहा है, और उसका एक ही इलाज है, इनकी जुताई गुड़ाई निराई अच्छे से कर दिया जाए, एक कानून बना दिया जाए कि भाई प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करें, और दूसरा करप्शन के खिलाफ हमें कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जब तक, क्योंकि जो कुछ भी होता है
मैं तो कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो पर डे कम से कम दो चार ट्वीट करते हैं और एक एक ट्वीट का वो 50-50 हजार रुपए लेते हैं। वो ट्वीट करने का 50 हजार रुपए लेते हैं, फेसबुक पे पोस्ट लिखने का 50 हजार रुपए लेते हैं। वो उनकी उनकी कमाई यही है, दिन भर में ब्राह्मण बनाम छत्री करना, दलित बनाम पिछड़ा करना, अगड़ा बनाम पिछड़ा करना, इसी काम के उनको महीने में 20-30 लाख रुपए मिल रहा है, किसी काम का मिल रहा है। तो उसको कैसे रोका जाए? अगर आप नहीं रोकोगे तो वो दलित सवर्ण ये वो दुनिया भर के करते रहेंगे। तो तरीका यही है कि पहले हम सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बना ले, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर ले, जैसे अमेरिका वगैरह में है, सिंगापुर वगैरह में है। आप जरा देखिए ना, अमेरिका सिंगापुर में किसी के घर से इतना कैश नहीं मिलता जितना भारत में मिलता है। अमेरिका बहुत अमीर है, अमेरिका हमसे बहुत अमीर है, वहां पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत ज्यादा है, फिर भी किसी के घर में आपको 50 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। भारत में तो आपको छोटे छोटे तुच्छों के यहाँ आपको छापा अगर पड़ जाए तो 100-150 करोड़ मिल जाएगा। तो ये जब तक इनका इलाज नहीं होगा तब तक ये न तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने देंगे, न जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने देंगे, या और भी जो जरूरी देश हित के कानून है। और बनेगा तो हंगामा करेंगे, दंगा करवाएंगे। भाई जो दिल्ली में दंगा हुआ, हाँ, वो ताहिर हुसैन, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो ताहिर हुसैन सिंपल सा फर्नीचर काम करता था, कारपेंटर का काम, 400-500 रुपए दिहाड़ी कमाता था, और 10 साल के अंदर वो 300 करोड़ का मालिक हो गया। और पूरे दंगे का मास्टरमाइंड वही, पूरे दंगे की फाइनेंसिंग उसने किया, पूरे दंगे में पैसा उसने लगाया। अगर वो चुपचाप फर्नीचर वाला काम करता रहता, कारपेंटर वाला काम, तो दंगा तो दिल्ली का नहीं होता ना। दिल्ली का दंगा इसलिए हुआ कि उसके पास 300 करोड़ प्रॉपर्टी आ गई। ये जो काला धन आता है, जो बाहर से पैसा आता है, वो बहुत सारी समस्याओं का मूल कारण है। जो आधार को, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उसका पहला स्टेप तो सरकार ने उठा लिया है, जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में संशोधन किया और उसके रूल्स बनाए। ये एक्ट बना राजीव गांधी के समय, लेकिन रूल्स नहीं फ्रेम किए गए जानबूझकर, कि जिससे हल्ला मचा बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर। तो कानून तो बना दिया, रूल्स फ्रेम नहीं किए। अगर रूल्स फ्रेम नहीं किए तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया कानून का। अगला लॉजिकल स्टेप तो यही है कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए। लेकिन फिर लौट कर आते हैं कॉमन सिविल कोड पर। कॉमन सिविल कोड को लेकर तमाम तरह की शंकाएं व्यक्त की जाती हैं। एक शंका जो सबसे बड़ी है, ये देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए, ये मुसलमानों के खिलाफ या उनको दोयम दर्जे का बनाने के लिए, या उनके धर्म पर हमला करने के लिए, इसका मकसद यही है। तो इसका मकसद ये क्यों है? इसलिए कि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। इसको इस इतना तार्किक मानते हैं आप? ये केवल और केवल जो लोग ऐसी बातें करते हैं उसमें कुछ तो अज्ञानी होते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जो पॉलिटिकली बात करते हैं। कॉमन सिविल कोड में 5 चीज होगी, मैं एकदम शुद्ध एकदम देसी भाषा में बताता हूं। 5 चीज क्या होगी? लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी तो अच्छी बात है, सबकी बेटियां पढ़ेंगी, सबकी बेटियां मेच्योर होंगी, सबकी बेटियां फिजिकली फिट रहेंगी, सबकी बेटी जो बीमारी होती है बचपन में बाल विवाह करने के बाद जो बीमारी होती है वो बीमारी नहीं आएगी, तो ये इससे तो सबको खुशी होगी इसका इसमें। और दूसरा, ये सिविल राइट और ह्यूमन राइट का इश्यू है, पर्सनल लॉ का तो मैटर ही नहीं है, तो इससे किसी के मजहब में कैसे खतरा पैदा हो जाएगा? दूसरा क्या होगा? तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी एक हो जाएगी, जहां दोनों तैयार है जज देख लेगा भाई दोनों तैयार है तो ठीक है दोनों का फटाफट कर दो, लेकिन जो भी प्रक्रिया होगी एक सिंपल प्रक्रिया होगी और सबके लिए एक होगी। अभी ऐसे नहीं होगा कि हिंदू के लिए जो कूलिंग पीरियड का मतलब कि आज अगर आप तलाक अप्लाई करिए तो जज आपको ठंडे दिमाग से सोचने के लिए टाइम देता है, उसको कहते हैं कूलिंग पीरियड। अब हिंदू के लिए कूलिंग पीरियड 6 महीने का, यानी हिंदू 6 महीने सोचे बिचारे, और क्रिश्चियन के लिए कूलिंग पीरियड 2 साल का। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया भी है। हाँ, मामला आया हुआ है, वो चल रहा है। तो मतलब, और मुस्लिम के लिए कूलिंग पीरियड केवल 3 महीने का, कि भाई आप 3 महीने में, आप पहले ट्रिपल तलाक में कोई कूलिंग पीरियड था ही नहीं, अभी तलाक-ए-हसन में आपको 3 महीने के अंदर ये काम करना। तो मैं ये भाई सबके लिए एक हो जाएगा, 3 महीने होगा या 6 महीने होगा या नहीं होगा, जो भी होगा वो सबके लिए होगा।
इससे किसी का धर्म, किसी का मजहब, किसी का रिलीजन कैसे खतरे में आएगा? तीसरा क्या होगा, गोद लेने का अधिकार सबको होगा, और गोद गोद लिए हुए बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी देने का अधिकार सबको होगा। हिंदुओं में क्या है कि आप गोद ले सकते हो अगर और अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे सकते हो, मुस्लिम में क्या गोद ले नहीं सकते और ले भी लिया तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। जब प्रॉपर्टी नहीं दे सकते तो आपको अपना कोई बच्चा क्यों देगा भाई गोद, जब आप अपने प्रॉपर्टी दोगे ही नहीं आप, तो आदमी अपना बच्चा क्यों देगा आपको गोद। दूसरा, पुरुष हस्बैंड तो ले सकता है गोद, महिला नहीं गोद ले सकती है, एक ये भी अंतर है। तो ये खत्म हो जाएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। चौथा क्या होगा, आपको प्रॉपर्टी का राइट, जो विरासत का नियम है, वसीयत का नियम, सबको हो जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शादी, जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनको भी प्रॉपर्टी का अधिकार है, तो ये हिंदू, ये केवल हिंदू में ही क्यों, सब धर्मों में, पंथों में हो। हाँ, अगर शादीशुदा लड़कियों को प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए तो फिर हिंदू में क्यों होना चाहिए, मुस्लिम में क्यों नहीं होना चाहिए, पारसी में क्यों नहीं होना चाहिए, ईसाई में क्यों होना चाहिए। अभी भी क्या हो रखा है कि पारसी में अगर वो गैर पारसी शादी करेगी तो प्रॉपर्टी नहीं जा सकती है। बेटा नहीं है, बेटी है, लेकिन दामाद पारसी नहीं है तो वो अपनी प्रॉपर्टी पूरी दामाद को नहीं दे सकते, ये भेदभाव क्यों। तो ऐसे विरासत का नियम अलग चल रहा है, वसीयत का नियम अलग चल रहा है, गोद लेने का नियम अलग चल रहा है, शादी विवाह की उम्र अलग चल रही है, तलाक लेने का अलग तरीका चल रहा है। ये पांच छह चीजें एक कॉमन हो जाएंगी, मोटी मोटी पांच चीजें हैं जो कॉमन हो जाएंगी, और इसका धर्म और रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। जहां तक कुछ लोग, अच्छा आपने सवाल कहा, कहते जी हमें धार्मिक अधिकार है, जो सब पूरे भारत में जो सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है, संविधान हमको धार्मिक अधिकार देता है। ओवैसी भी खूब बोलते हैं, बाकी सब लोग भी बोलते रहते हैं। इस आर्टिकल 25 में भाई साहब लिखा हुआ है, आर्टिकल 25 है जो हमें अपने धर्म पालन का अधिकार देता है। लेकिन ये आर्टिकल 25 की शुरुआत में तीन शब्द है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। इसका मतलब हमें धर्म पालन का अधिकार है, अधर्म का नहीं। हमें रीतियों को पालन करने का अधिकार है, कुरीतियों को नहीं। हमें प्रथा को पालन करने का अधिकार है, कुप्रथा को नहीं। तो जो आर्टिकल 25 हमें धर्म की आजादी देता है, यही आर्टिकल 25 सरकार को कहता है अधर्म के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाओ। जो आर्टिकल 25 हमें रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, यही आर्टिकल 25 सरकार को कहता है कुरीतियों खत्म करने के लिए कानून बनाओ। जो आर्टिकल 25 हमें प्रथा का पालन करने का अधिकार देता है, यही आर्टिकल 25 तीन तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए सरकार को पावर देता है। लेकिन ये तथाकथित पाखंडी लोग कहते हैं ये आर्टिकल 25 जो अधिकार देता है वो धर्म का, रीति का और प्रथा का देता है, कुरीति, अधर्म और कुप्रथा का नहीं देता। और तीन शब्द दिए हुए, जो तीन शब्द दिए हैं, क्या शुरुआत में आर्टिकल 25 में लिखा है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, आप अपने धर्म, अपने मजहब, अपने रिलीजन में कोई ऐसा पालन करते समय कोई ऐसा नहीं काम करोगे कि आपका पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए। मतलब आप सड़क जाम नहीं कर सकते, कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते। दूसरा, हेल्थ, आप अपने धर्म, मजहब, रिलीजन के पालन कोई ऐसा काम नहीं करोगे किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, किसी की नींद खराब हो जाए। आप अपने धर्म, रिलीजन, मजहब के पालन कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जहां पे जो इमोरल हो, भाई लालच दे के, झूठ बोल के, धोखा दे के, पहचान छुपा के धर्म का प्रचार करना, धर्मांतरण कराना, ये तो इमोरल है। तो मैं वही बार बार कह रहा हूं कि जिस आर्टिकल 25 के लोग दुहाई देते रहते हैं, वही आर्टिकल 25 धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून का देता है, और उसी आर्टिकल 25 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रिपल तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाओ, वही आर्टिकल 25 यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने। आपने PIL फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, अभी तक तो जवाब आया नहीं। तो आप जिस, मतलब लंबे समय से चूंकि इस प्रोफेशन में है, एक अंदाजा तो होता होगा कि किस तरह का रिस्पॉन्ड जो है सरकार करती है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, और कोर्ट का मूड क्या है, रवैया क्या है, क्या सचमुच कोर्ट इस मामले में गंभीरता से कुछ करना चाहता है, या फिर लगता है कि बहुत सी जो पिटिशन फाइल होती हैं ऐसे सालों साल चलती रहती हैं, इसका भी हश्र वही हो जाएगा। नहीं भाई साहब, इसमें दो बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये
कि अगर सरकार जवाब दाखिल नहीं कर रही है तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि सरकार हमारी जो मांग है उसको स्वीकार कर रही है। जैसे हिंदी में कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम, ऐसे जुडिशियल एक डॉक्ट्रिन होती है उसको कहते हैं साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। अगर हमारी जो रिस्पोंडेंट है जिसको हमने पार्टी बनाया हुआ है अगर वो चुप बैठा हुआ है साइलेंट है तो साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, ये जुडिशियल डॉक्ट्रिन है। मौनम स्वीकार लक्षणम का हिंदी इंग्लिश वर्जन है ये। तो इसका मतलब वो सामने वाला हमारा विरोध नहीं कर रहा है। तो जैसे हमने 370 चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो 370 में सरकार ने जवाब नहीं दाखिल किया, वो उन्होंने बोला ठीक है जब आप जी फाइनल हियरिंग पे लगाओगे तभी हम अपनी अपनी हम अपना पक्ष रखेंगे। और चार साल तक जवाब दाखिल नहीं किया, 2014 से पार्टी है शुरू हुई थी, 2019 तक उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया, 2019 में अपना खुद ही खत्म किया। अब इसमें मैं इसलिए आश्वस्त हूँ कि पहली बात तो हमने 5 PIL फाइल किया, 5 में से किसी का जवाब नहीं आया। हाँ पहली PIL जो मेरी थी शादी विवाह की उम्र समान करने के लिए उसका बिल आ गया है। तो बिल आ गया है तो इसका मतलब पहिया तो घूम गया है। अब एक बार वो केवल पहिया गाड़ी खड़ी हो ना बहुत दिनों से तो इसको स्टार्ट करने में दिक्कत है, एक बार अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई फिर वो चलती रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि अगर हमने हर 6-6 महीने पे एक स्टेप भी लिया, अगर हमने 6 महीने में शादी विवाह की उम्र बराबर कर लिया, अगले 6 महीने में गुजारा भत्ता बराबर कर लिया, तो भी 2-2.5 साल में ये हम मान के चलते हैं कि 2024 तक भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। वो सरकार टुकड़े में कर देगी या इधर सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेरी PIL तो मेच्योर हो ही रही ना। सुप्रीम कोर्ट कितनी बार अर्जेंट करेगा, मैं भी वेट कर रहा हूँ, ठीक है भाई अर्जेंट कर लो अर्जेंट कर लो अर्जेंट कर लो, लेकिन कितनी बार अर्जेंट करोगे, किस बात के नाम पे? सरकार विरोध कर नहीं रही है कि भाई हमारी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या दलील दे रहे हैं, आप फैसला करो। लेकिन ये सरकार जिस तरह से काम करती है उसका अगर आप देखें उसका टीका, जो काम करना होता खासतौर से मैं PIL और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ बोलती नहीं है। 370 का आपने उदाहरण दिया, अभी आपने शादी की उम्र 21 साल करने का उदाहरण दिया। नहीं मैं तीसरा एग्जांपल एक उदाहरण और आपको देता हूँ। मेरी PIL 2017 से चल रही थी वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के लिए, और उस पे भी सरकार ने जवाब नहीं दाखिल किया, और कर दिया, और फिर एकाएक बिल आ गया तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि 2024 के पहले भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए तो एक ही कानून बनाना है, उसके लिए तो अलग अलग कानून बनाना नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अगर आप टुकड़े टुकड़े में करोगे तो हमारी 5 PIL है तो 5 कानून बनाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि शायद टुकड़े टुकड़े में ही होगा, एक एक करके होगा, 6-6 महीने में थोड़ा आराम से आदमी हजम भी करता रहे, लेकिन मुझे भरोसा है कि 2024 तक वो चाहे टुकड़े में हो या सिंगल शॉट में हो जाएगा। ये आपको बधाई हो, आपकी आपका प्रयास रंग लाएगा तो अच्छी बात है, अगर ये हो जाए जैसी उम्मीद आप जता रहे हैं, और जिसकी संभावना भी धीरे धीरे लग रही है कि हो सकता है ऐसा, तब अब वो संभव के दायरे से बाहर निकल गया है, संभावना के दायरे में आ गया है। आपने कॉमन सिविल कोड को लेकर बाकी मुद्दों को लेकर जिस तरह से पूरी बात रखी, सारे तथ्य रखे, मुझे उम्मीद है कि लोगों को उससे इस विषय को समझने में आसानी हुई होगी। तो अश्विनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज के बाद फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में किसी और मुद्दे को लेकर, तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।